नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। जूते और चप्पलों का किस ग्रह के साथ खास संबंध होता है और हमें क्या भाग्य निखारने में शूज यानी आपकी चरण पादुकाओं का कोई खास रोल होता है या हमारे भाग्य को बिगाड़ने में इसका रोल ज्यादा होता है? भाई, आज हम जो बात कर रहे हैं, जूते चप्पलों का हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल होता है। एक जनरल बात के बारे हम कहते हैं कि हम जूते देख करके पहचान जाते हैं उस व्यक्ति का स्टेटस क्या है। तो क्यों जूते ही देख करके क्यों? उन्होंने कपड़े भी तो बहुत अच्छे पहने होते हैं, बातचीत में भी वो बहुत अच्छे होते हैं, पढ़ाई भी बहुत अच्छी की होती है, लैंग्वेज देखे तो ऐसे लगता है कि बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो फिर जूतों पर ही क्यों नजर जाती है? तो जूतों का स्टेटस के साथ क्या कंसर्न बन गया और कौन से ग्रह को ये रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कौन से ग्रह जो है वो कारक भी होते हैं? शनि ग्रह का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे जीवन में। जब जब कई बार हम लोग फटे पुराने कपड़े पहन लेते हैं, ऊपर कपड़े बहुत अच्छे पहनते हैं लेकिन अंदर हमारे कई बार गारमेंट्स जो होते हैं वो फटे होते हैं, तो शनि बहुत खराब होता है ऐसे लोगों के। अच्छे जूते होते हुए हम फटे हुए जूते पहन के चले जाते हैं तो भी शनि ही इसके बहुत बड़ा रोल निभाते हैं इसके लिए। सॉक्स देखिएगा आप, उनको लगता है कि जूते के अंदर सॉक्स है कौन सी दिखने वाली है, लेकिन आपको मालूम है आपका भाग्य खराब कर देती है, वो आपको जिंदगी में बहुत पीछे ले जाती है। आज हम कुछ ऐसे अनछुए से पहलू आपको बताने वाले हैं कि जूतों के कारण हमारी जिंदगी में उथल पुथल कैसे मच जाती है। और शुरुआत ही हम कर लेते हैं पहले अपनी एंट्रेंस से, यानी एंट्रेंस में कई बार हम लोग घर की जो बाहर हमारी मुख्य दहलीज होती है वहां पे कई बार आपके सेवक आते हैं काम करने के लिए, बहुत सारे लोग भी आते हैं, कई बार आप खुद भी होते हैं, तो फैला करके जूते अगर आप वहां रख देते हैं तो सोचिए पहली गलती वहीं कर देते हैं हम लोग, वही चूक हो जाती है। क्योंकि एंट्रेंस हमारा मुख्य दरवाजा, मुख्य दहलीज, खुशियों का झोंका आने वाले दहलीज होती है। उसी रास्ते से तो आपके घर में खुशियां आती हैं, उसी रास्ते से तो आपके घर में तरक्की आती है, और वो जगह बहुत ही साफ सुथरी रहनी चाहिए, या फिर यूं कहें कि अगर पूरी बैलेंस मेंटेन रहनी चाहिए। फैला करके जो आप ये जूते रखते हैं ये आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं। और थोड़ा सा अंदर की तरफ आ जाइए, अपनी घर की दहलीज पार कर लीजिए, और दहलीज पार करने के बाद अगर आपको बिखरे हुए जूते दिखें या फिर जूतों का गंध दिखे, फटे हुए दिखे, जूतों के नीचे मिट्टी दिखे, डस्ट दिखे, तो सोचिए आपका पैसा आपके पास नहीं आएगा। धीरे 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 आप खोखले होते जाएंगे, आपके घर से इनकम बाहर निकलना शुरू हो जाएगी, भाग्य साथ नहीं देगा और परेशानी बहुत ज्यादा बनी रहेगी, बीमारियां घर में आना शुरू हो जाएंगी, तनाव, लड़ाई, झगड़ा, स्ट्रेस, इरिटेशन, ये सारी चीजें तब आती हैं जब आपके जूते घर के अंदर दहलीज पार करते हुए ही बिल्कुल अस्त व्यस्त पड़े हैं। कोई एक का मुंह टेढ़ा पड़ा है, एक उल्टा पड़ा है, एक सीधा पड़ा है, कोई कहीं पड़ा है, किसी के नीचे मिट्टी है, किसी के ऊपर डस्ट है, तो सोचिएगा कि आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, आप बड़ी प्रॉब्लम फेस करने वाले हैं। तो आपने सबसे पहले ये ध्यान रखना है, एक तो आपने दहलीज का ध्यान रखना है पहले ही, एंट्रेंस से पहले ही, और एंट्रेंस के अंदर जैसे ही आप गए तो पहले आपके ये जूते जो है ना ये पूरे अच्छे से मेंटेन करवा के रखवाइए। एक खास दिशा भी बताऊंगी, ध्यान रखिएगा उसका भी, लेकिन पहले आपको एक अमूमन छोटी छोटी बातें जो है वो क्या करनी है। और थोड़ा सा अंदर चलते हैं, हम बाहर से आते हैं तो जूते लेकर के सीधा कमरे में घुसते हैं, लगता है अपने अलमीरा के पास में जहां हमारा ड्रेसिंग रूम है वहां हमारे कपड़े हैं, वहां हमने शूज रखे हैं, चलिए सीधा वहीं चल देते हैं, वहीं जाकर के खोल लेते हैं। फिर क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, बहुत कुछ हो गया जी, समझ लीजिए आप बाहर की दरिद्रता आप अपने घर के अंदर ला रहे हैं, बाहर की परेशानियां आप अपने घर के अंदर लाना शुरू कर रहे हैं, तो सोचिए बाहर का स्ट्रेस सीधा घर के अंदर। अरे बाहर से तो खुशियां लाई जाती हैं, अपने घर को सुखमय बनाया जाता है,
तो आपने ये ध्यान रखना है कि अगर आप जूते लेकर के सीधे अपने बेडरूम की तरफ खास करके जाते हैं तो नींद आपकी समझ लो गई, रात की नींद गायब, परेशानी, स्ट्रेस, ड्रीम्स, गंदे वाले परेशानी के छोड़िए छोड़िए, जब आप सुबह उठेंगे तो आप रेस्टलेस होंगे। तीसरा पहलू, अब आ जाइए और आगे। कई बार हम लोग बाहर से आते हैं, आप देखिएगा पहले टाइम पे ऐसा होता था कि जूते बिल्कुल अंदर की तरफ लाने ही नहीं दिए जाते थे, बाहर में ही एक शू रैक रखा होता था, वहीं पे आपको उतारने पड़ते थे। लेकिन आजकल गेस्ट आ गए हैं, कौन सी शर्म फील होगी, अरे कौन कहेगा इनको जूते उतारने के लिए, नहीं नहीं आ जाइए बिल्कुल कारपेट पे आ जाइए, ड्राइंग रूम में बैठिए, बिल्कुल बाहर की गंदगी लेकर के आ जाइए, हमारे घर में स्ट्रेस ले आइए, तनाव ले आइए, खुशियां नहीं, और हमारे घर की सारी सुख सुविधाएं ले जाइए। जब गंदगी लेकर के घर के अंदर आ रहे हैं तो लेकर के क्या जाएंगे वापस, क्योंकि बाहर से तो वो गंदगी लेकर के आए हैं, तो आपका घर साफ सुथरा था, आपके घर से सौभाग्य लेकर के बाहर चले जाएंगे। तो इसलिए शर्म नहीं कीजिएगा, या उन्हें एक चीज कहिए कि पूरा मैट बिछा हुआ है, उन्हें अच्छे से आप साफ कीजिए तो आप अंदर की तरफ आइए। गंदगी से भरे हुए जूते एकदम से सीधे अपने घर के अंदर नहीं आने देने, सौभाग्य आपका बिल्कुल दुर्भाग्य में बदल जाएगा। और फिर वो जगह ऐसी होगी, ड्राइंग रूम खास करके, वहां आपके जब भी बैठेंगे तो चिड़चिड़ापन लगेगा आपको, जब बैठेंगे ऐसे लग रहा है गुस्सा आ गया, जब बैठेंगे आपको लगेगा क्रोध आ गया। तो आपने और भी यहां रोकना है कि ड्राइंग रूम में गेस्ट आए, आपके परिवार के सदस्य आए, कोई भी आए, लेकिन आपने जूते लेकर के उसे पूरा अपने घर के अंदर टहलने नहीं देना है, क्योंकि आपका घर आपका मंदिर है, आपका घर आपकी खुशियों का द्वार है, सुकून की जगह है, तो वहां गंदगी की जगह नहीं बनने दीजिए। और एक पहलू बताते हैं जो हम बड़ी चूक कर देते हैं, गलती कर देते हैं, हमने कहीं पार्टी में जाना है, फंक्शन में जाना, तो जूते डाल करके कब सीधा किचन में, और तो और थोड़ा पूजा स्थान के साथ थोड़ा सा टच भी कर लेते हैं कभी कभी, फिर क्या हुआ, भगवान जी दूर हैं थोड़े, भगवान जी दूर नहीं है, भगवान जी आपके दिलों के करीब हैं, एक एक क्षण आपको देख रहे हैं। दूसरा, अन्न की बरकत की जगह, माँ अन्नपूर्णा की जगह आपकी किचन, आपकी रसोई। बाहर के गंदे जूते लेकर के आप सीधा किचन में जाएंगे तो सोचिए अन्न धन आपसे दूर हो जाएगा, घर के अंदर लाले पड़ जाते हैं उन लोगों के, इतना पैसा होते हो भी कई बार घर के अंदर चीजें नहीं होती, कोई आ जाए तो ऐसे लगता है बाहर भागना पड़ेगा कुछ सामान लेने के लिए, सब कुछ होगा, जिस चीज की आपको जरूरत पड़ा करेगी वो चीज आपसे नहीं मिल पाएगी, अरेंज नहीं हो पाएगी उस समय। तो आप सोचिए सब कुछ होते हुए एक छोटी चीज के चलते आपको कहीं ना कहीं परेशानी भी होगी और कई बार बेइज्जत भी होना पड़ता है, अरे इतना बड़ा घर इतनी सी चीज नहीं रखते हैं, और ये बात बाहर भी निकल जाती है। बात छोटी सी है लेकिन बात रूप बहुत बड़ा ले रही है। एक तो सबसे पहले आपने कोशिश यही करनी है कि जूते घर के अंदर नहीं आने चाहिए, बाहर के आ भी रहे उन्हें पूरे साफ करवाइए, तो पोंछ करके ही आप घर के बिल्कुल आप पूरे घर में नहीं घुमाइएगा, उसके पर्टिकुलर एक प्लेस बनाइएगा, वरना आपको नौकरी में भी परेशानी आ सकती है, वरना आपको सुख सुविधाएं इकट्ठी करने में परेशानी आ सकती है, पोजीशन में परेशानी आ सकती है, आपकी तरक्की नहीं हो पाएगी, आपको एजुकेशन में दिक्कत आ सकती है, आपके स्वास्थ्य को लेकर के दिक्कत आ सकती है, आपके रिलेशंस फैमिली रिलेशंस को लेकर के खास करके दिक्कत आ सकती है। और कई बार ऐसे होता है कि हम बहुत बार इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कोई हायर एजुकेशन के लिए करना चाह रहे हैं, लेकिन वहां भी हमें कोई सहयोग नहीं मिलता है, वहां भी हमें परेशानी होती है। अगर ऐसी सिचुएशंस आप लोगों के साथ बन रही है तो ध्यान रखना है, एक, फटे पुराने जूते कभी नहीं पहनने हैं, दूसरा, आपने जब भी घर के अंदर आना है तो अपने जूतों को बहुत अच्छे से साफ सुथरा करके लाना है, और तीसरा, ईस्ट और नॉर्थ ये ध्यान रखिए, नॉर्थ एंड ईस्ट का जो कॉर्नर बनता है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर कहते हैं, यानी उत्तर और पूर्व का कोना,
वहां पे जूतों का रैक नहीं रखिएगा। अगर आप वहां जूतों का रैक रख रहे हैं तो आपके घर से बहुत खुशियां बाहर चली जाएंगी। तो देखा आपने, सिर्फ हमारी सावधानियां, हमारी अटेंटिवनेस हमें कई बार बहुत सारी परेशानियों से बचाती है। और सबसे अच्छी चीज क्या होती है, जब हम ऐसी चीजें नहीं करते हैं तो शनि महाराज बिल्कुल प्रसन्न रहते हैं, हम पीड़ित नहीं करते, हमें तकलीफ नहीं देते। इनफैक्ट वो हमारे लिए बहुत अच्छा रास्ता बनाते हैं खुशियों को एडॉप्ट करने का, खुशियों को अपने घर में लाने का। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हैं। इस वीडियो को जितना हो सके उन सब लोगों का, घर की फैमिली के सारे सदस्यों तक तो ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि अगर वो गलती कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं परेशानियों का न्योता तो नहीं दे रहे हैं। चलिए, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को बहुत लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। बेल आइकन, बेल नहीं अगर आप प्रेस करेंगे, नोटिफिकेशन ऑन नहीं करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो आपको नहीं मिल पाएगी। तो इसीलिए आपने नोटिफिकेशन जरूर ऑन करनी है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। जब हम खुश रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, तो हम हर परेशानी से दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।